दूर वाले छोर से पैर को पार किया, विक्टोरिया पहुंचे और जबरदस्त ये लेंथ में कहूंगा खूबसूरत ये गेंद मैडी सामना करेंगे यशपाल की गेंदों का। इसी बीच यशपाल की अगली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद, हल्के हाथों से खेला इस गेंद को एक रनों के लिए पूरा करते हुए हल्के हल्के कदमों से विकेटों पे पहुंचे और एक गेंद उतना ही खूबसूरत शॉट, काफी खूबसूरत ये ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई। जहां तक मैं बात करूं गेंदबाजी की, काफी खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए सामने बल्लेबाज मैडी। इसी बीच राजीव की अगली गेंद खूबसूरत शॉट बाउंड्री के बाहर छह रनों के लिए द्वारा। इसी बीच राजीव हमसे दूर वाले छोर से आ रहे, उतना ही खूबसूरत शॉट एक खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, देखते कैच हो पाता है या फिर बाउंड्री के बाहर। बाउंड्री के बाहर मिस्टर शंकी मेहता ने कैच पकड़ा बाउंड्री के बाहर, अपनी भी प्रैक्टिस करते हुए और छह रन मिलते हुए वांटेड बॉयज नागादार को। इस तरह की बल्लेबाजी मैडी कर रहे, बिल्कुल पहले ओवर का पूरा गुस्सा यहाँ पे निकालते हुए। और अगला शॉट है खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और एक आसान सा कैच, बहुत बड़ी विकेट, जबरदस्त बल्लेबाजी, काफी लंबा अनुभव बल्लेबाज तरुण के पास। नागादार की तरफ से काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और आज भी वही दम कप दिखाते हुए बल्लेबाज तरुण, और एक गेंद पूरा सम्मान दिया सामने करेंगे गेंदबाज साहिल का। विकेटों पे पहुंचे और एक गेंद स्टेप आउट हालांकि किया था, मिडल स्टंप पे गेंद जाके लगी और एक बहुत बड़ा झटका। पांच छह सालों से अपनी टीम के लिए बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं विवेक, कुछ उसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी इस परिस्थिति में बल्लेबाज विवेक को। इसी बीच अंतिम गेंद खूबसूरत गेंद साहिल की, बड़ी जिम्मेवारी होगी यशपाल के ऊपर इस ओवर में। और अगली गेंद खूबसूरत शॉट विवेक के बल्ले से छह रनों के लिए। बिल्कुल जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, विवेक बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है। चौथे ओवर प्रगति पे यशपाल द्वारा, इसी बीच स्टेप आउट करा, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, देखते हैं कि बाउंड्री को पार कर पाती है या फिर फिक्स जोन में। कमेटी के सदस्य कृपया करके बाउंड्री के चारों तरफ तैनात रहे। इसी बीच एक और खूबसूरत शॉट छह रनों के लिए, तो बैक टू बैक बाउंड्रीज बल्लेबाज के रूप में और अभी तक डटे हुए खूबसूरत बल्लेबाज। इसी बीच एक चांस बन सकता है और जबरदस्त कैच दूर वाले छोर से अंपायर को पार किया, विकेट पे पहुंचे और साहिल की गेंद खूबसूरत गेंद, फिर से कैच हो पाता है कि नहीं देखते हैं। खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए गेंद फील्ड होती, गेंद किस तरह से करते हैं साहिल हमसे दूर वाले छोर से विकेट पे पहुंचे और साहिल की गेंद खूबसूरत प्रयास है खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन इस शॉट में जो पावर विवेक ने जनरेट कर रहा, वो जितनी पावर चाहिए थी उतनी पावर ली। पहली गेंद काफी जबरदस्त, इसी बीच अगली गेंद लेग स्टंप ले उड़ी और एक और झटका। ये गेंदे किस तरह से की जाती है, आने वाला वक्त जिसमें से कि आप एक गेंद बिल्कुल देखते हुए और बिल्कुल बल्ले के ऊपर से एक खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच, बहुत बड़ी विकेट अनिल करते हुए और एक गेंद बाउंड्री के बाहर छह रनों के लिए। दूर वाले छोर से सामने बल्लेबाज बबलू, ये गेंद उतना ही खूबसूरत शॉट सीधे बल्ले से खेला, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर छह रनों के लिए। पलटी आए और ये फुटॉस गेंद और इस गेंद को स्टे नेट बाउंड्री के ऊपर खेल दिया है अनिल ने और खूबसूरत छक्का में सामना करेंगे अनिल। और इस बार बहुत ही अच्छा ऑफ साइड में खूबसूरत शॉट इस लेफ्ट हैंड बल्लेबाज द्वारा, दोनों बल्लेबाज ने तेजी के साथ दो रन मुकम्मल किए। शॉट था इस बार दसवीं स्ट्रोक ऑफ साइड में अनिल द्वारा और इस गेंद को बहुत ही खूबसूरत शॉट मिड विकेट जोन में अंपायर के साथ ले रहा है संकेत हुआ छह रन का जोहटा के सदाबहार स्टेडियम पर। और एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत शॉट देखते हैं वहां पर एक फील्डर आए और
इसी के साथ ये पहला झटका यहाँ पर अनिल के रूप में प्लेयर को लगता हुआ। यहाँ पे बल्लेबाजी होती है तो निश्चित तौर पे बिल्कुल वन साइडेड ये मुकाबला में कहूंगा। कृष्ण जी क्या कहना चाहेंगे आप? और इस बार सुरेश की पहली गेंद पर ऑफ साइड पर एक खूबसूरत स्ट्रोक पपलू द्वारा, वो भी बड़ा शॉट देंगे तो निश्चित तौर पे वो गेंदबाज निकलाया जाएगा। तो उसी तरह की गेंदबाजी करते हुए इसी वक्त वांटेड बॉज नागादार के गेंदबाज, और अगली गेंद खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए। ये जो बल्लेबाज है इनका बल्ला जिस तरह से बोलता है बहुत ही जबरदस्त बल्ला बोलता है, और इस बार स्केले के ऊपर से और एक खूबसूरत शॉट पब्लू के बल्ले से, कितनी तारीफ की जाए उतनी कम। विसाखी पर्व की इसी बीच अगली गेंद खूबसूरत गेंद लेग स्टंप ले उड़ी। जी हाँ, गेंदबाज के पास जो बिल्कुल एक स्लोअर वन एक यही गेंद करी टॉस के लिए मंच तक बता रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए, और नजदीक पहुंचते हुए अपने स्कोर के बिल्कुल विजय श्री के नजदीक पहुंची हुई YSC पनेल की टीम। इसी बीच एक और खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए, तो बैक टू बैक बाउंड्रीज यहां पे निकलती हुई। और टीम के कप्तान यहां पर पहले ही पहुंच चुके हैं तरुण, और ये स्लोअर गेंद थी। यशपाल इस गेंद को फ्रंट फुट पर जाके ड्राइव मारने का हल्का सा प्रयास किया, अधूरे मन के साथ ये शॉट खेला। एक बार फिर से इस ओवर में सामना करेंगे पब्लू, और जिस शॉट का काफी समय से इंतजार कर रहे थे यहाँ पर दर्शक और प्लेयर के खिलाड़ी, और पब्लू ने इस बार बाउंड्री के ऊपर से 6 रन मारकर विजय श्री प्राप्त करा दी यहाँ पर पनेल की टीम को, बहुत ही जबरदस्त प्रहार पब्लू द्वारा।